अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। आज मैं आप लोगों को चैट जीपीटी के कुछ प्लगइन्स का बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर आप उन प्लगइन्स को यूज करते हैं तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, आपकी रिसर्च आसान हो जाएगी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो ऐसे काम करते हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो प्लगइन्स का जो ऑप्शन है वो जस्ट चैट जीपीटी प्लस के अंदर अवेलेबल है और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि चैट जीपीटी 4 कितनी पावरफुल चीज है और वो आपके लिए क्या क्या कुछ कर सकता है। इस पे ऑलरेडी दो वीडियोस बन चुकी हैं। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप चैट जीपीटी 4 को यूज करके डेटा एनालिस्ट का काम कैसे कर सकते हैं। दोनों वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लाजमी देखिएगा। तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आज देखते हैं कि प्लगइन्स को किस तरीके से यूज करना है और प्लगइन्स हमारे लिए क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो यहां पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर चैट जीपीटी देख सकते हैं। मैंने यहां पर प्लगइन्स के ऑप्शन को सेलेक्ट किया हुआ है। रिसेंटली आज की डेट में ही ये अपडेट हुआ है थोड़ा सा और इसमें अपडेट के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये आई है कि जीपीटी 4 के अंदर इन्होंने डाल ई और जो डाटा एनालिसिस वाला फीचर था जो कि अलग शो हो रहा था पहले, वो उन्होंने जीपीटी 4 के अंदर ही ऐड कर दिया है और इसके अंदर इंटरनेट की एक्सेस भी ऐड है कि अगर आपने इसे कोई आज की डेट में कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा। लेट सपोज आप इसे पूछ सकते हैं कि आज मुल्तान में वेदर कैसा है। तो मैंने यहाँ पे इससे पूछा कि मुल्तान के वेदर के बारे में आज बताओ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सर्च कर रहा है इंटरनेट को। पहले आपने देखा था कि इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी और अब चैट जीपीटी 4 के पास इंटरनेट की भी एक्सेस है और ये आपको रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि मुल्तान का जो आज का वेदर है ये उसके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा है और साथ में इसने यहाँ पर आपको एक लिंक भी दिया है, आप इसे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इसी के अंदर ही इन्होंने डाल ई और डाटा एनालिसिस वाले फीचर को भी ऐड कर दिया है। तो डाटा एनालिसिस वाला अगर आपने देखना है कि उसे किस तरीके से यूज़ करना है तो मैंने वो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो आज हम प्लगइन्स की बात करते हैं। आप प्लगइन्स के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं। अगर आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ नीचे प्लगइन स्टोर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। आप ऑल के ऊपर भी क्लिक करके सारे प्लगइन्स देख सकते हैं। देखें काफ़ी सारे इसमें प्लगइन्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर पॉपुलर प्लगइन्स आ रहे हैं, यहाँ पर वो प्लगइन्स हैं जो मैंने पर्सनली इंस्टॉल किए हुए हैं और मैं इन्हें यूज़ कर रहा हूँ। आज मैं इन्हीं के बारे में ही आपको बताऊँगा। इसमें आप एक टाइम में 3 प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं और तीनों को डिफरेंट तरीके से यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एक करके प्लगइन्स को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो प्लगइन आ रहा है आस्क योर पीडीएफ का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहां पर आपने एक पीडीएफ का लिंक देना है, ठीक है। अब आप यहां पर पीडीएफ का जो लिंक है वो गूगल ड्राइव के ऊपर भी अपलोड करके यहां पर ऐड कर सकते हैं और ये पीडीएफ को रीड करेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको उसका रिप्लाई करेगा। तो मैंने एक पीडीएफ गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड की है और उसे एनीवन विद लिंक कर दिया है उसकी विजिबिलिटी को। और अब हम यहां पर लिंक पेस्ट करेंगे और इसे पूछेंगे कि ये जो पीडीएफ है इसके अंदर क्या बात की गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से ये लिखा है और मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा और अब ये पीडीएफ को रीड करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसे नहीं बताया कि जो पीडीएफ है ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की है, फिस्कल ईयर 2022 से 2023 तक की है और ये उसके बारे में इसने हमें सारी डिटेल दी है कि इस पीडीएफ के अंदर क्या क्या बातें की गई हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर लेट सपोज आपके पास कोई पीडीएफ है जिसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक डाटा है, आप उसे यहाँ पर अपलोड करेंगे, आपको पूरी पीडीएफ रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पर उसे अपलोड करने के बाद उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इस पीडीएफ के अंदर क्या बात की गई है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो वो भी आप निकलवा सकते हैं। मैंने इसको रिसेंटली यूज़ इस तरीके से किया था कि एक बुक थी जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज थी कि आप डिजिटल मार्केटिंग में ऑफर्स किस तरीके से सेंड कर सकते हो अगले बंदे को, जो ऑफर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है। तो मैंने उस पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड किया और फिर मैंने चैट जीपीटी को कहा कि इसको अच्छे तरीके से रीड कर लो और मुझे कुछ स्पेसिफिक ऑफर्स बताओ जो कि मेरी तरह की ऑडियंस के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है। अब पीडीएफ को मैं पूरा रीड करता और फिर मैं अपने माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें सोचता कि मेरे लिए कौन सी ऑफर बेस्ट है, तो मैंने वो चैट जीपीटी को बताया। तो यहाँ पर इस चैट जीपीटी के प्लगइन ने मेरा ये काम बहुत आसान कर दिया और उसने मुझे मेरा दिमाग लड़ाए बगैर ये सारी चीज़ें बता दी कि भाई इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा डाटा यहाँ पर आ गया है। आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप इससे आगे वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सेकेंड हमारे पास जो प्लगइन है वो कैपकट का प्लगइन है। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने न्यू चैट भी क्रिएट कर लेनी है। तो अब यहाँ पर आप देखें कैपकट का प्लगइन ऑन है। अब कैपकट का प्लगइन करता ये है कि आप इसे कोई एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे, ये उससे रिलेटेड आपको कंप्लीट वीडियो क्रिएट कर देगा। उसके अंदर वॉइस ओवर भी होगा, म्यूजिक भी होगा, उसके अंदर इमेजेस भी होंगे। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगा लेकिन आप उसे थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे लिखा क्रिएट ए वीडियो ऑन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। मैंने यहाँ पर नीचे वीडियो डायमेंशंस भी दे दी हैं। चैट जीपीटी
कैपकट के प्लगइन को यूज करेगा और हमारे लिए एक वीडियो क्रिएट करेगा। अब आप देखेंगे कि वो वीडियो किस तरह से नजर आती है। आप देखें कि चंद ही सेकंड्स के अंदर आपके लिए वीडियो रेडी हो चुकी है। आप यहां पर इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप कैपकट के अंदर आ जाएंगे और कैपकट में आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। फ्री टूल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो रेडी हो चुकी है। अब आप यहां पे नीचे वॉइस ओवर भी देख सकते हैं कि ये वॉइस ओवर भी हुआ हुआ है, कैप्शंस भी ऐड की गई हैं और इमेजेस पीछे ऐड हैं जो कि इतने अच्छे नहीं लग रहे। हमें जस्ट यहाँ पर इमेजेस चेंज करने हैं। इवन के यहाँ पर लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, स्टॉक वीडियोस की लाइब्रेरी अवेलेबल है। आप यहाँ से सर्च करके वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। नीचे म्यूज़िक भी है और आप इसे ईजीली यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्लगइन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कूपर्ट के नाम से वो प्लगइन है। ये बेसिकली करेगा ये कि अगर आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और आप चाहते हैं कि आपको कोई एक डिस्काउंट कूपन कोड मिल जाए तो आप इसके थ्रू कूपन्स फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर न्यू चैट के अंदर चलते हैं, हमने इस प्लगइन को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया गिव मी सम डिस्काउंट कूपन्स ऑफ होस्टिंगर होस्टिंग लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने सर्च किया, अब ये इस प्लगइन को यूज़ करेगा और ये आई फाउंड सम डिस्काउंट फॉर होस्टिंग अ वेब होस्टिंग दैट यू माइट बी इंटरेस्टेड इन। यहाँ पर आपको उसने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे जो सेल है वो भी उसने प्रोवाइड कर दिया है। हम ब्लैक फ्राइडे सेल की तरफ नहीं जाएंगे, हम इस सेल को ब्लेस्ड फ्राइडे कहेंगे। अब होस्टिंगर पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो यहाँ पर ब्लेस्ड फ्राइडे की मैं आपको एक डील, बड़ी इंटरेस्टिंग डील है, उसके बारे में बताता हूँ कि आप hostinger.com/letsungover पे जाएंगे तो यहाँ पर 80% ऑफ चल रहा है। आपने क्लेम डील के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप बिजनेस होस्टिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रीमियम भी कर सकते हैं। बिजनेस के ऊपर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, 12 मंथ्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 48 मंथ्स कर सकते हैं। आप यहां पर नीचे आएंगे, यहां पर आप कूपन कोड के अंदर ऐड करेंगे लेट्स अनकवर। अब एक तो 80% वो डिस्काउंट चल रहा है और ऊपर आप अगर लेट्स अनकवर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको मजीद डिस्काउंट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको 10% और भी डिस्काउंट मिल गया है। तो काफ़ी सारा यहाँ पर डिस्काउंट अवेलेबल है। अब यहाँ पर बात एंड नहीं हुई, अगर आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट करवानी है तो आप सिंपली यहाँ से hostinger.com/letsungover जो ये लिंक है, आपने इस लिंक के ऊपर जाना है और यहाँ से कूपन कोड यूज़ करना है। अगर आप ये लिंक यूज़ करेंगे और फिर आप होस्टिंग परचेज करेंगे तो आपको हम एक फ्री वेबसाइट क्रिएट करके देंगे जिसमें आप ब्लॉग क्रिएट करवा सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवा सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर बनवा सकते हैं, किसी भी तरह की वेबसाइट आप बनवा सकते हैं। उसमें हम एस्ट्रा प्रो थीम इंस्टॉल करके देंगे जो कि एक पेड थीम है और उसमें जो प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं, कोई भी टेम्पलेट जो आप कहेंगे वो टेम्पलेट इंस्टॉल करके दिया जाएगा ताकि आप उसमें ईजिली जस्ट अपनी डिटेल्स ऐड करें और आपकी वेबसाइट रेडी है। तो ये वाली जो ऑफर है ये लिमिटेड लोगों के लिए है, जस्ट 50 लोग जो होंगे उन्हें हम ये ऑफर दे रहे हैं, फर्स्ट 50 लोग। और उसकी जो इनवॉइस है आपने सेंड करनी है 03-6117-6620 के ऊपर। हम उस इनवॉइस को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको फ्री वेबसाइट क्रिएट करके दी जाएगी। तो ये ब्लेस्ड फ्राइडे की जो सेल चल रही है बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द जाके इसको अवेल करें। पूरे साल में ये इसी टाइम पर ये ऑफर आएगी, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगी। तो आपको और क्या चाहिए, आपको फ्री वेबसाइट भी मिल रही है, एस्ट्रा प्रो थीम भी मिल रही है, सारी चीजें आपके लिए क्रिएट करके दी जा रही हैं। और साथ में एक और भी इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं कि यहां पर ये सारी चीजें जो मेंशनड हैं ये भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इसमें लोगोस भी हैं, इंस्टाग्राम की रील्स भी हैं, इसके अंदर हैशटैग्स भी मिलेंगे, पॉपुलर हैशटैग्स, एसवीजीज मिलेंगी और भी बहुत कुछ प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड भी आपको चीजें मिलेंगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्लगइन है वो यहां पर है, डायग्राम्स शो मी। तो ये डायग्राम वाला जो टूल है ये करता ये है कि आपने कोई भी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसको दी तो ये आपको उससे रिलेटेड डायग्राम्स की शक्ल के अंदर बताएगा। तो मैंने यहां पर लिखा क्रिएट अ डायग्राम ऑफ एवोल्यूशन ऑफ चैट जीपीटी। अब ये यहां पर इस टूल को यूज करेगा, इस प्लगइन को यूज करेगा और हमारे लिए एक डायग्राम क्रिएट करेगा। तो ये वाला जो टूल है ये आप फ्रीलांसिंग में बहुत जगहों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अपने क्लाइंट्स को कोई एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन विजुअल कंडीशन के अंदर अगर आपने शो करनी है तो आप इस टूल को यूज़ करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई लॉन्च कब हुआ, उसके बारे में इंट्रोडक्शन उसका क्या था, 2019 में क्या हुआ, GPT-2 आया, फिर 3 आया, फिर इसी तरीके से GPT फाइन ट्यूनिंग करके API अवेलेबिलिटी की और आगे आपको ये एक पूरा डायग्राम दी गई है। आप इसके ऊपर व्यू फुल स्क्रीन के ऊपर करके ये डायग्राम इसे डाउनलोड
डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट प्लगइन है वो डॉक मेकर है। आप डॉक मेकर के ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये आपको कोई एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देगा। आपने अगर किसी भी तरह का कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई पीडीएफ क्रिएट करनी है, ये आपके लिए वो क्रिएट करके देगा। यहाँ से लेट्स सपोज मैं कोई रेज्यूमे क्रिएट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर, पहले तो अगर आपने रेज्यूमे क्रिएट करनी है तो आप उसे पूरी डिटेल देंगे कि आपका नाम क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप वो सारा कुछ देंगे। हम सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट ए रेज्यूमे फॉर डिजिटल मार्केटर। मैंने जस्ट इतना सा टाइप किया है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि इसने कहा कि आप अपना फुल नेम बताओ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बताओ, ये सारी चीजें बताओ। तो यहाँ पर मैंने इसे कहा जस्ट क्रिएट ए टेम्पलेट फॉर डिजिटल मार्केटिंग रेज्यूमे, डिटेल्स हम खुद ऐड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ये उस प्लगइन को यूज कर रहा है। वैसे अगर आप ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत आपको एक रेज्यूमे क्रिएट करके देगा, जो आपको बहुत टाइम लग जाता है सोचने में, लेकिन यहाँ पर आपको इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है, आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। और आपने देखा होगा कि लिंक्डइन के ऊपर और बहुत सारी अगर आप जॉब्स पे अप्लाई करें तो आपको वो कहते हैं कि रेज्यूमे दो, और डिफरेंट स्किल्स के ऊपर भी रेज्यूमे हो सकती हैं। तो हर रेज्यूमे पे आपने इतना दिमाग लगाना है, उससे बेहतर ये है कि आप यहाँ से किसी भी किस्म की रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने ये सारी डिटेल दी है और फिर हमें डिजिटल मार्केटिंग रेज्यूमे का एक टेम्पलेट भी दे दिया है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेज्यूमे का टेम्पलेट आ चुका है। ये राइट साइड पर आप देखें, यहाँ से आप कुछ एडिट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आप इसमें अपनी ईमेल नेम और ये सारा कुछ ऐड करेंगे तो फिर ही बेहतर तरीके से बनेगी ना। ऐसे तो ऑब्वियसली उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो कहाँ से बनाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके लिए एक रेज्यूमे रेडी हो चुके, आप इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लगइन है वो है वन वर्ड डोमेन। वन वर्ड डोमेन बेसिकली करता क्या है, ये आपके लिए डोमेन्स फाइंड करता है, जिस तरह के भी डोमेन्स आप चाहेंगे ये आपके लिए डोमेन्स फाइंड करेगा और वो डोमेन्स अवेलेबल भी होंगी। तो मैंने यहाँ पर इससे पूछा letsuncover.com इज अवेलेबल, अभी मुझे पता है कि letsuncover.com अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बताया इज़ नॉट अवेलेबल इफ़ यू इंटरेस्टेड इन परसुइंग अदर डोमेन ऑप्शन और नीड असिस्टेंट विद एनीथिंग एल्स लेट मी नो। मैंने यहाँ पे लिखा सजेस्ट मी सम डोमेन नेम्स विच आर अवेलेबल फॉर परचेस। तो यहाँ पर इसने हमें कहा कि भाई बेस्ट सजेशन चाहिए तो आप बताओ कि आपकी वेबसाइट का थीम क्या होगा, किस टॉपिक के ऊपर आप बना रहे हो, ताकि वो उस तरह के नेम्स जनरेट कर सके। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा आई एम क्रिएटिंग अ ब्लॉग ऑन डॉग ब्रीड सजेस्ट मी नेम्स। तो यहाँ पर इसने हमें ये डोमेन नेम्स भी दे दिए हैं, आप इनके ऊपर क्लिक करके इन्हें जाके परचेज कर सकते हैं या फिर इसने आपको बता दिया कि डोमेन नेम्स अवेलेबल हैं। एक और हमारे पास जो प्लगइन है उसका नाम है वेब पायलट। अब वेब पायलट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्लगइन है। आप कोई भी वेबसाइट का लिंक या कोई आर्टिकल का लिंक इसे प्रोवाइड करेंगे और उसे कहेंगे कि मुझे इससे रिलेटेड एक आर्टिकल लिख के दो, वो आपको आर्टिकल लिख देगा। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे विकिपीडिया के ऊपर और विकिपीडिया के ऊपर जाके हम सर्च करेंगे, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर टू सर्च कर लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू सर्च किया, ये हमारे पास ये आर्टिकल आ चुका है। अब मैं यहाँ पर ये आर्टिकल पेस्ट करूँगा और इसे कहूँगा कि इससे रिलेटेड एक रेलेवेंट आर्टिकल लिख के दे। तो यहाँ पर मैंने इसे लिखा राइट एन आर्टिकल बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दिस लिंक। तो ये अब उस आर्टिकल को रीड करेगा, रीड करने के बाद हमें ये एक कस्टमाइज्ड आर्टिकल लिख के देगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है या किसी भी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपने इस आर्टिकल को यूज़ करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। आप देखेंगे ये जो सारा आर्टिकल है ये यूनिक है क्योंकि इसने इन्फॉर्मेशन इधर से ली है लेकिन ये उसे एज इट इज़ कॉपी नहीं कर रहा। अगर आप इसे एक्सटेंड भी करवाना चाहें, बड़ा आर्टिकल लिखवाना चाहें, तो वो भी ये आप इसे लिखवा सकते हैं। आपने देखें कि यहाँ पर इसने आई थिंक कोई 800,000 वर्ड्स का लिखा है, तो आप इससे ज़्यादा का भी इसे लिखवा सकते हैं, इसे बता सकते हैं कि इतने वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख के दो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप कोई भी वेबसाइट का लिंक उठाएंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे कि मुझे इससे रिलेटेड आर्टिकल लिख दो, या आपको ईजिली आर्टिकल लिख देगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये प्लगइन कंप्लीटली फ्री है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्लगइन है वो है AISEO रिपर्पजर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्ट एनी आर्टिकल और यूट्यूब वीडियो इनटू ब्लॉग्स, ट्वीट्स, ईमेल, स्क्रिप्ट, प्रेस रिलीजेस, जो भी आपने करना है, लैंडिंग पेजेस, सब कुछ कर देगा, ठीक है। अब इस पर जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको प्लगइन स्टोर से इंस्टॉल करने के लिए जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर लॉगिन मांगेगा, तो आप इजीली लॉगिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक यूट्यूब का वीडियो का लिंक दिया, तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं समराइज दिस वीडियो इनटू एन आर्टिकल, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, अब ये इस प्लगइन को यूज़ करेगा और हमारे लिए एक आर्टिकल लिख के देगा इस यूट्यूब वीडियो की बेसिस के ऊपर,
तो मैंने एम के पीएचडी की एक वीडियो दी है, ठीक है, तो ये उसके बारे में हमें यहाँ पर आर्टिकल लिख के दे रहे हैं। अब आप देखेंगे ये आर्टिकल 100% यूनिक होगा क्योंकि ये हमने एक यूट्यूब वीडियो से निकाला है आर्टिकल, ठीक है। तो आप इस आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं और इसे आप अपने ब्लॉग्स के ऊपर ऐड कर सकते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक लेके एफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। तो ये फ्री में आपके लिए इतने सारे आर्टिकल, देखिए M3 के ऊपर इसने आर्टिकल लिखा हुआ है, जो एप्पल की जो चिप है नई M3 उसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप डाटा एनालिस्ट किस तरीके से बन सकते हैं चैट जीपीटी 4 को यूज़ करके, तो वो वीडियो आप लाजमी देखें। और होस्टिंगर की जो ऑफर है ब्लेस्ड फ्राइडे की, वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, अगर आप उसे अवेल करना चाहते हैं और फ्री वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, लोगोस वगैरह लेना चाहते हैं, तो आज ही hostinger.com/letsuncover के ऊपर जाएं और होस्टिंग परचेज करें, और उसकी जो इनवॉइस है आपने सेंड करनी है 03611766620 के ऊपर। हम उस इनवॉइस को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको फ्री वेबसाइट क्रिएट करके दी जाएगी। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।